अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कसड द सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कसड द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट इन अ फ्लो चार्ट इनपुट मींस टू गेट डेटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी इनपुट का मतलब है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा एंटर करना यूजिंग सम इनपुट डिवाइस और फिर इस डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना आ डेटा इन मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम कंप्यूटर मेमोरी में ये डेटा पर्टिकुलर नेम से सेव होता है वी एक्सेस डेटा विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन नेम टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशन फ्रॉम विच रिजल्ट आर ऑप्टेन्ड। स्टूडेंट्स इनपुट डेटा पर्टिकुलर नेम के साथ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है और जब भी हमें इस इनपुट डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं इस इनपुट डेटा को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हम सिंपली इस इनपुट डेटा को इस डेटा के नेम से एक्सेस करते हैं उस नेम से जिस नेम से ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर है इस डेटा की प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट आता है इस रिज़ल्ट को हम आउटपुट कहते हैं द रिज़ल्ट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमरी एंड वी प्रिंट द रिज़ल्ट ऑन सम आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो भी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है पर्टिकुलर नेम के साथ और इस रिज़ल्ट या आउटपुट को हम डिस्प्ले करते हैं यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल टू डाटा वैल्यूज़ आर गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दीज डेटा वैल्यूज़ स्टूडेंट्स इन डेटा वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हम वो डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे जिनका सम कैलकुलेट करना है यूजिंग सम इनपुट डिवाइस स्टूडेंट्स ये डेटा वैल्यूज़ कंप्यूटर मेमोरी में पर्टिकुलर नेम के साथ स्टोर होंगी यानी कि फर्स्ट डेटा वैल्यू नेम ए के साथ स्टोर होगी सेकंड डेटा वैल्यू नेम बी के साथ स्टोर होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा प्रोसेसिंग यानी कि कैलकुलेशंस ऑपरेशंस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इन दोनों वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट होगा अब इन दोनों वैल्यूज़ को कैसे कॉल किया जाएगा यूजिंग देयर नेम्स जिन नेम्स के साथ ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कंप्यूटर मेमोरी में इन दोनों वैल्यूज़ का सम स्टोर होगा एक न्यू नेम के साथ नेम है सी सम स्टोर हो गया है विद द नेम सी इन कंप्यूटर मेमोरी उसके बाद क्या होगा ये समी जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर नाइन फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ रिलेटेड टू द फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरन हाइट टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमने फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरन हाइट स्टूडेंट्स ये फार्मूला है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरन हाइट टेम्परेचर इस फार्मूला में सिंपली सी की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर वैल्यू रिक्वायर्ड होती है इस वैल्यू को हम नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करते हैं फाइव से डिवीजन का जो भी आंसर आता है उसमें थर्टी टू एड करते हैं तो टेम्परेचर फॉरन हाइट में आ जाता है फ्लो चार्ट में सबसे पहले ओवल शेप है ओवल शेप में स्टार्ट लिखा है ये फ्लो चार्ट का स्टार्ट है उसके बाद पैरलोग्राम है ये इनपुट सिंबल है इनपुट में हम एंटर करेंगे सेल्सियस टेम्परेचर नेक्स्ट रेक्टेंगल है रेक्ट एगल इज़ शोइंग द प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में क्या होगा ये फार्मूला एंटर होगा और इस फार्मूला में सी की वैल्यू एंटर होगी और एट द एंड फॉरन हाइट टेम्परेचर कैलकुलेट होगा फ़ॉरन हाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई नाइन क्योंकि नाइन और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई नाइन डिवाइड बाई फाइव प्लस थर्टी टू उसके बाद एक और पैरलोग्राम है ये आउटपुट को शो कर रही है हम प्रिंट करेंगे फॉरन हाइट टेम्परेचर और ये प्रोग्राम का एंड हो जाएगा सेकेंड फ्लो चार्ट इज टू फाइंड द एक्सलोरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड स्टूडेंट्स आपने फिजिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है एफ इज़ इक्ल टू एम ए अगर एक्सेलोरेशन के लिए इसको रीअरेंज करें देन ए इज़ टू एफ ओवर एम इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सलोरेशन यूजिंग द फोर्स एंड मैस वैल्यूज़ सेम प्रीवियस फ्लो चार्ट की तरह स्टार्ट पे ओवल शेप है यानी स्टार्ट सिम्बल है ये फ्लो चार्ट का स्टार्ट है उसके बाद पैरलोग्राम है ये इनपुट है इनपुट पर हम एंटर करेंगे मैस और फोर्स की वैल्यूज़ उसके बाद रेक्टेंगल शेप इज शोइंग द प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में क्या होगा एक्सलेशन एक्सलेशन को हमने ए सी सी से प्रेजेंट किया है इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मैथ उसके बाद नेक्स्ट एक और पैरलोग्राम है ये शो कर रही है आउटपुट प्रिंट एक्सलरेशन एंड दिस इज द एंड ऑफ फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्लो चार्ट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब स्टूडेंट्स क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है एच क्यूब यानी के क्यूब के एजेस को थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है तो सेम प्रीवियस फ्लो चार्ट की तरह स्टार्ट सिंबल उसके बाद इनपुट सिंबल इनपुट में हम एंटर करेंगे एच नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रही है रेक्टेंगल शेप में ये प्रोसेसिंग सिंबल है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड एच यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट होगी और आउटपुट में प्रिंट होगी तो ये आउटपुट सिंबल है प्रिंट वॉल्यूम और ये एंड है फ्लो चार्ट का नेक्स्ट फ्लो चार्ट इज़ रिलेटेड टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट स्टूडेंट्स प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला ये है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ईयर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इनपुट में हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी अमाउंट की रेट की और ईयर की तो इसलिए हम स्टार्ट सिंबल के बाद इनपुट में वैल्यूज़ एंटर करेंगे अमाउंट रेट और ईयर की उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल शेप में प्रोसेसिंग होगी प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई ईयर उसके बाद पैरलोग्राम शेप है आउटपुट सिंबल है उसमें प्लेन इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और ये फ्लो चार्ट का एंड है स्टूडेंट्स ये थे आज के फ्लो चार्ट आपने इन फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है गुड लक